आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झासा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने संज्ञा प्रकरण प्रारंभ किया है और पिछले दिनों हमने उच्चैरुदात्त मतलब यह सूत्र जो पढ़ा था, जिसका अर्थ था कि जो उच्चारण स्थान है उसके तीन भाग होते हैं, ऊपर का भाग, नीचे का भाग और मध्य का भाग कह सकते हैं, जहाँ पर ऊंचा और नीचा दोनों भाग मिलते हैं, जहाँ पर उसको हम कहते हैं मध्य भाग। तो जो ऊंचे भाग से बोला जाता है उसको उदात्त कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण के रूप में देखा था कि अ है, अ कंठ से उच्चारण होता है इसका, तो यदि कंठ के ऊपरी भाग से जो मुंह की तरफ आता है जो भाग, उससे बोला जाए तो यह उदात्त होगा। अब इसी को आगे कहा कि नीचे रनुदात्त है, भागों यानि हिस्से वाले तालु आदि जो हैं, तालु से यहाँ तात्पर्य तालु, कंठ, मूर्धा आदि जो उच्चारण स्थान है उनसे है। तो जो तालु आदि ऊपर वाले स्थान से बोला गया वो तो उदात्त हो गया। अब कह रहे हैं तालु आदि स्थानों में जो अच नीचे वाले भाग से बोला जाए, यानी कि मान लीजिए कंठ लेंगे तो कंठ का जो नीचे पेट की तरफ जो जा रहा भाग है, छाती की तरफ जो जा रहा भाग है, उससे ही उसमें यदि बोला जाएगा तो वह अनुदात्त होगा। यदि तालु है तो तालु कहाँ पर होता है, तालु होता है अगर आप ध्यान करें तो च बोल के देखिए, च च छ ज झ य, यानी कि दांत से जो नीचे का भाग है उसको तालु कहते हैं। तो तालु के भी दो हिस्से कर तीन हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा जो दांत की तरफ जाता है वो ऊपर का भाग हुआ, और जो हिस्सा कंठ की तरफ जाता है वह नीचे का भाग हुआ, और दोनों के बीच का जो भाग हुआ वह मध्य भाग है, जहाँ दोनों ऊपर और निचले हिस्से मिलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कि जो ऊपर के भाग से बोला गया वो उदात्त है, जो नीचे के भाग में बोला गया वह अनुदात्त है। यहाँ यही कह रहे हैं क्या कि भागों यानी हिस्से वाले तालु आदि स्थानों में जो अच नीचे वाले भाग में बोला जाए वह अनुदात्त होता है। उदाहरण उसी तरह से भाग, हर वर्ण का उच्चारण स्थान होता है और इसके तीन भाग होते हैं जैसा बताया, ऊपर नीचे और दोनों के मिलने का बिंदु, तो जो अच नीचे वाले भाग से बोला जाए वह अनुदात्त होता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण क्या लेते हैं, वही अ का उदाहरण लेते हैं। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, यदि यह कंठ के निचले भाग में बोला जाए, निचले भाग में बोला जाए मतलब कंठ का, जैसे यह कंठ है तो इसका जो ऊपरी भाग है वह तो मुँह की तरफ जा रहा है और निचला भाग जो है वह छाती की तरफ या पेट की तरफ जा रहा है, तो जो निचले भाग से बोला जाए वह क्या होगा, वह अनुदात्त होता है। और यही सभी वर्णों के साथ होगा। मान लीजिए हम अ तो कंठ से है और ई जो है उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो तालु कहाँ पर है, दांत के नीचे वाला भाग, इसके तीन हिस्से कर दिए, एक हिस्सा जो दांत की तरफ जाता है, दूसरा हिस्सा जो कंठ की तरफ जाता है, और तीसरा हिस्सा जो दोनों का मिलन स्थान है, बिंदु, मिलन बिंदु है, तो वहाँ जो वहाँ जैसे तालु, जैसे ई ले लिया, ई तो ई, अब जी जिह्वा ई में तालु के पास है, आप पीछे ले जाकर ई बोलना चाहें जीव को, उ नहीं बनेगा उच्चारण, अलग तरह का उच्चारण हो जाएगा उ, तो वो उसको तालु पर रखना पड़ता है जीवा को, ई ई ई। अब इसको यदि थोड़ा सा नीचे ले जाएं, ई ई ई ई ई ई ई ई, जो जीवा है जब दांत की तरफ जाती है ई, और जब नीचे की तरफ आती है ई, और जब बीच में रहती है ई, तो जब नीचे की तरफ तालु की तरफ से जिह्वा जाकर स्वरों का उच्चार, स्वर का उच्चारण होता है, ई का उच्चारण होता है, तब वह अनुदात्त होता है। ऊपर की तरफ जब होता है तो वह उदात्त होता है, नीचे की तरफ जब होता है तो अनुदात्त होता है। और यह जो दोनों ऊपर और नीचे जहाँ मिलते हैं, मध्य भाग जहाँ है वह स्वरित हो जाता है, ये आगे आएगा। तो अभी आपने इतना समझा इसको कि जो अच्छा जो उच्चारण स्थान है उसका ऊपरी भाग तो उदात्त है और निचला भाग जो है वह अनुदात्त है, वहाँ वहाँ से बोलने पर अनुदात्त होता है।
सभी अच के साथ ये बात है, री अ ई ऊ जैसे होठ से बोला जाता है, तो होठ का ऊपरी भाग क्या हुआ, होठ का ऊपरी भाग हुआ जो एकदम बिल्कुल बाहर की तरफ खुल रहा है, और होठ का निचला भाग क्या है जो अंदर की तरफ जा रहा है, और होठ का मध्य भाग क्या है जो बीच में हुआ। तो जैसे ऊ बोलता ऊ ऊ ऊ ऊ, तो वो जो होठ का अगला भाग है वहाँ से जब उसका उच्चारण होगा तो वह उदात्त होगा, फिर नीचे की ओर ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, तो ऊ ऊ ऊ ऊ। तो ये जो उच्चारण है ये सिर्फ आप ध्यान करिए, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, तो ये आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बाहर की तरफ है और कौन सा अंदर की तरफ है। तो बाहर की तरफ जो होठ खुल रहे हैं वो ऊपरी भाग हुआ, और अंदर की तरफ जो होठ है वह निचला भाग हुआ, और दोनों के बीच में जो होगा वह मध्य भाग होगा। तो नीचे वाले भाग से बोलने पर अनुदात होता है। इस तरह से सभी अचों के साथ है, अ ई ऊ री ली सब के साथ है ये बात, अ ई ऊ री ली ए ओ ऐ ओ। तो यह इस तरह से बताया गया आपको अनुदात के बारे में। इसके बाद अगला सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः मतलब होता मिलना, किसका मिलना है का उदात्त और अनुदात का। उदात्त कहाँ पर है, ऊपर से बोलने पर, अनुदात कहाँ है नीचे से बोलने पर। तो स्वरित कहाँ होगा, तो ऊपर का भाग जहाँ से शुरू होता है और नीचे का भाग जहाँ से शुरू होता है, वो जो मध्य भाग है जहाँ पर उदात्त के गुण भी होंगे और अनुदात के गुण भी होंगे, दोनों ही गुण होंगे, तो वह भाग वहाँ से किया गया उच्चारण स्वरित कहलाता है। इसीलिए इसको कहा गया समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः का अर्थ है कि जो समाहार हुआ, मिलन हुआ, उसका उसको स्वरित नाम दे देंगे, समाहारः स्वरितः। जैसे मान लीजिए, फिर वही उदाहरण लेते हैं, जो उदात्त और अनुदात वर्णों के धर्म, जो उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों जिस अच में विद्यमान है, मान लो स्वरित होता है। सरल भाषा में उच्चारण स्थान का वह भाग जहाँ उदात्त और अनुदात दोनों का मेल होता है, वहाँ से अच का उच्चारण करने से स्वरित होता है। एक ही बात हुई, ऊपर कहो नीचे कहो जैसे भी कहो, उदात्त अनुदात, तो जहाँ दोनों का मेल होता है वहाँ से क्या होता है, उच्चारण करने पर स्वरित होता है। जैसे हमने अभी तक जो अ का उदाहरण पढ़ा है कि अ को ऊपर से कंठ के ऊपरी भाग से बोलने से उदात्त होगा और निचले भाग से बोलने से अनुदात्त होगा, तो इसी को ध्यान में करते हुए यदि हम उच्चारण करें अ, तो ये ऊपर के भाग से हो रहा अ, नीचे के भाग से हो रहा अ अ। अब दोनों का जहाँ पर मेल हो रहा अ अ अ अ अ अ अ, तो ये जो अ है तीसरा अ, अगर आप ध्यान दें तो इसमें ऊपर वाले की खनक भी है और नीचे वाले की गहराई भी है। तो अ, ये देखिए मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, कंठ के ऊपर से अ, और कंठ के नीचे से बोल रहा हूँ अ अ अ अ अ अ अ। ये आपको स्पष्ट अंतर सुनाई दे रहा होगा दोनों के उच्चारण में, अ इसमें खनक ज़्यादा है, अ इसमें गहराई ज़्यादा है, गंभीरता ज़्यादा है। तो अ अ अ अ, अब इन दोनों का मेल जहाँ होगा, यानी कि जिसमें उदात्त का भी गुण होगा और अनुदात्त का भी गुण होगा, वह स्वरित होगा। तो जैसे अ 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 अ, तो ये जो अ तीसरा अ आ रहा है, अ इसमें देखिए ध्यान करिए, अ तो इसमें उदात्त वाली पूरी खनक नहीं है, अ मैं बोल रहा हूँ देखिए अ, ये उदात्त हुआ अ अ, और अ अ ये अनुदात हुआ। अब तीसरा जो बोल रहा हूँ अ अ अ अ अ, अब ये जो अ है अ, इसमें अ ये खनक नहीं है और अ ये गंभीर नहीं, अ अ अ अ अ, इसमें दोनों का मेल है तीसरे वाले में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको स्वरित कहते हैं, स्वरित।
तो उन अनुदात उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता है, और अनुदात्त में नीचे एक पड़ी रेखा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए विष्णु लिखा, विष्णु, तो विष्णु में व में छोटी की मात्रा है और श ण के संयोग के बाद उ है, तो अब ये उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, कैसे बताया जाएगा? मान लीजिए वी है, वो उदात्त है, तो वी के नीचे कोई चिन्ह नहीं होगा, न ऊपर न नीचे। लेकिन यदि अनुदात्त है तो उसके नीचे एक पड़ी रेखा दिखाएंगे, वो मैंने आपको इसमें पीडीएफ फाइल में भेजी है। और जो स्वरित होगा, मान लीजिए विष्णु में ण के बाद जो उ है वो स्वरित है, तो उसके ऊपर खड़ी रेखा एक दिखाएंगे ऊपर की ओर जाती हुई। तो इस तरह से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का हमने का सूत्र समझा, और दोनों के चिन्हों का, तीनों के चिन्हों का। तो उसमें उदात्त में कोई चिन्ह होता ही नहीं है, अनुदात्त में नीचे पड़ी रेखा दिखाते हैं और स्वरित में खड़ी रेखा दिखाते हैं, यह हमने जाना। इसके बाद अगला जो सूत्र है वह है मुख नासिका वचनोनुनासिका। जो वचन, जो वर्ण किससे उच्चारण किया जाता है? मुख सहित नासिका से, नाक से जिसका उच्चारण होता है। देखिए, सारे वर्णों का उच्चारण मुख से तो होता ही है, लेकिन कुछ वर्णों का उच्चारण यदि आप ध्यान करेंगे तो उसमें नाक का उपयोग लेना पड़ता है मुख के साथ साथ। जैसे मान लीजिए बोले क ख ग घ ङ ङ, इसमें आप देखिए मुख का भी है और नाक का भी है। च छ ज झ य, अगर आप नाक का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ, तो यहाँ नहीं बोल पाएंगे यहाँ यहाँ। और इसके बाद च छ ज झ य, फिर ट ठ ड ढ ण ण ण जो है वह नहीं बोल पाएंगे बिना नासिका के। त थ द ध न, ये न नहीं बोल पाएंगे बिना नासिका के। प फ ब भ म, ये म नहीं बोल पाएंगे बिना नासिका के। प फ ब भ म। तो इस तरह से प फ ब भ म, यह इस तरह से हो जाएगा कि इसमें मुख सहित नासिका का, नासिका से वर्ण का उच्चारण होगा, तब यह क्या कहलाएगा? तब यह अनुनासिक कहलाएगा। तो व्यंजन में तो ये हैं ही, कौन कौन से याद करिए, तो यमंगणन, यमंगणनम जो प्रत्याहार वो माहेश्वर सूत्र है, यह यमंगणनम, ये पूरा सभी अनुनासिकों का ही है। और इसके बाद क्या अचों में भी अनुनासिक होता है? तो कहते हैं हाँ होता है, अचों में अनुनासिक होता है। कैसे होता है? तो अ है, अ अ के ऊपर चंद्रबिंदु डाल देते हैं, जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, वो संस्कृत में व्याकरण में अनुनासिक कहलाता है, अनुनासिक डाल देते हैं। तो अ के ऊपर अनुनासिक डाल दिया, क्या हो गया? अ। आ के ऊपर डाल दिया आ, ई के ऊपर डाल दिया ई, दीर्घ ई के ऊपर डाल दिया ई, ऊ ऊ, है ना, री ली ए ऊ ऐ औ, ये सब अनुनासिक हो जाते हैं। यदि इनके ऊपर चंद्रबिंदु डालेंगे तो ये सब अनुनासिक हो जाएंगे। और इसका प्रयोग जो है, चूँकि जब से भाषा बनी है तब से इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, यानी कि कहीं अनुनासिक है और कहीं अनुनासिक नहीं है। जैसे झूठ को, झूठ को झूठ आपने देखा होगा, झूठ लिखते हुए झूठ, ये जो ऊ है ये वही झूठ में जो ऊ है वह ऊ बन गया। साइकिल को साइकिल बोलते हुए आपने सुना होगा, ये जो साइकिल का आ है उसको अनुनासिक हो गया, तो आ हो गया साइकिल। ऐसे ही सैकड़ों शब्द आपको मिलेंगे, हाथ को हाथ बोलते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा, तो साठ को साठ, हम लोग बांसवाड़ा में तो साठ बोलते थे इस तरह से। तो इस तरह से हमने, हम ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि अचों का यानी स्वरों का उच्चारण कई जगह अनुनासिक होता है और कई जगह अनुनासिक नहीं होता है।
तो जब स्वरों का उच्चारण मुख सहित नासिका से होगा तो वह भी अनुनासिक कहलाएगा। जैसे अ है वह अनुनासिक कहलाएगा, आ है वह अनुनासिक कहलाएगा, री है, लरी है, ए है, ऊ है, ऐ है, औ है, ये सब अनुनासिक कहलाएंगे, अ ई ऊ अपने सभी भेदों के साथ। तो यही अनुनासिक का सूत्र है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।